और बात करेंगे अब उत्तराखंड की खबरों की। रुद्रप्रयाग जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से लोग परेशान हैं और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से दहशत में है लोग। बारिश का सबसे ज्यादा असर हाईवे पर पड़ रहा है। एक तरफ जहां बद्रीनाथ और ऋषिकेश हाईवे लैंडस्लाइड के कारण गुरुवार रात से ही बंद है, तो वहीं शुक्रवार दोपहर को केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक गया। ये पूरी घटना वहां खड़े कुछ लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर ली। तो लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, किस तरह से सड़क पर पहाड़ का जो मलबा है वो दरक कर गिर गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी, ये पहली बार आपको बता दें कि रुड़की पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रुड़की वासियों को कई सौगातें भी दी। सीएम धामी ने उपजिला चिकित्सालय रुड़की में 10 बेड के आईसीयू और 500 लीटर प्रति मिनट क्षमता के दो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने रुड़की सिविल अस्पताल को जिला अस्पताल बनाने की घोषणा की। इसके अलावा सिविल लाइन भूमि को नजूल मुक्त भूमि बताते हुए नया शासनादेश जारी करने को कहा है। रुड़की पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी जितनी भी घोषणाएं करती है उन्हें पूरा भी करती है। पूर्व सरकार की भांति हवाई घोषणाओं पर वो विश्वास नहीं करते हैं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री का सफल कार्यक्रम रुड़की में रहा, जनता में बहुत उत्साह दिखाया और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए थे और कई सारे युवाओं ने जो है पार्टी ज्वाइन करी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो घोषणाएँ यहाँ पर करी हैं और रुड़की के लिए बहुत अच्छी घोषणाएँ हैं। विकास कार्यों की घोषणाएँ हैं, सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, पुलों का निर्माण, इसके अलावा सीवरेज और पानी के लिए जो उन्होंने व्यवस्था खराब है उसके लिए उन्होंने बजट जारी किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने रुड़की में एक स्टेडियम बनाने का वादा किया है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री का सफल कार्यक्रम रुड़की में रहा, जनता में बहुत। और हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिटकुल में 300 बेड के अस्पताल का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने ईएसआईसी अस्पताल के हरिद्वार साइट का भी निरीक्षण किया। उनका हरिद्वार के पतंजलि साइट रुड़की और उसके बाद हरिद्वार का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार पहुंचे। यहां सीएम धामी ने योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने पतंजलि रिसर्च सेंटर में बाबा रामदेव के साथ पौधारोपण भी किया। सीएम धामी के साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आज पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 134वीं जयंती है। सीएम ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के राष्ट्र एवं समाज हित में किए गए कार्य सभी के लिए प्रेरणादायी हैं। लव जिहाद को रोकने और धार्मिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए उत्तराखंड के धर्मांतरण कानून को पहले से सख्त बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इस कानून को उत्तर प्रदेश के कानून की तर्ज पर सख्त और प्रभावी बनाने की बात कही है। देखिए, मोहब्बत में मजहब का खेल, लव जिहादी जाएंगे जेल, कानून बनाएगी धामी सरकार, पहाड़ में
लव जिहाद पर प्रहार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहाड़ में धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन करके सख्त कानून बनाने का ऐलान कर दिया है। देहरादून में पुलिस मुख्यालय में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 पहले से ही है, लेकिन सरकार इसके प्रावधानों को और सख्त बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने यूपी की तर्ज पर सख्त और प्रभावी कानून बनाने की वकालत की है। जो धर्मांतरण है, लव जिहाद है, और जो बाहर से जो आए हुए ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ठीक से जानकारी नहीं है, उसकी भी जानकारी जुटाई जाएगी। इसे इस पर जो है हमारा कानून काम करेगा, हमारी पुलिस काम करेगी और कानून को हम और सख्त बनाएंगे। वहीं लव जिहाद पर नए कानून बनाने के सरकार के ऐलान पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव नजदीक आ गया है तो उत्तराखंड सरकार को लव जिहाद याद आ रहा है। इस प्रदेश की जनता ऐसे कानूनों से ज्यादा जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहती है। प्रदेश की जनता चाहती है कि हमें रोजगार मिले। प्रदेश की जनता चाहती है कि महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है, वो महंगाई को कम करने के लिए सरकार कोई तरीके निकाले, लेकिन सरकार जो वास्तविक मुद्दे हैं उन मुद्दों को भटकाने के लिए, उन वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए, उन वास्तविक मुद्दों को दबाने के लिए इस प्रकार के कानूनों की बात कर रही है। तो और आपने 2017-18 में आप ही के पूर्व मुख्यमंत्री ने कानून बनाया था, तो अब ऐसा ये कानून चुनाव को आगे देख रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ कर तो पाए नहीं, क्योंकि मोदी जी आए थे रैलियां करके केदारनाथ और उधर चले गए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, एक ईंट तो ये लगा नहीं पाए केदारनाथ पे। तो ये सिर्फ एक दिखावा है, इससे उत्तराखंड की जनता का कोई भला नहीं होगा। शादी करना अगर झूठ बोल करके, अपने धर्म को छुपा करके, और उसके बाद तुम फ्रॉड तरीके से शादी कर रहे हो, वो तो बिल्कुल ही करप्शन का मामला, वो तो बिल्कुल ही इलीगल है। उस चीज़ पे तो सिस्टम स्ट्रांग बनाने चाहिए, लेकिन सिस्टम जो बनते हैं ना स्ट्रांग, वो सभी तरीके के लोगों के लिए कॉमन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी लव जिहाद पर कानून बनने जा रहा है। हालांकि 2018 में धर्मांतरण को लेकर उत्तराखंड सरकार ने जरूर कानून बनाया था, लेकिन अब एक बार फिर से लव जिहाद को लेकर उत्तराखंड सरकार सख्त हो चली है, और सीधे तौर पर अब उत्तराखंड पुलिस इसको लेके कानून लगातार और सख्त बना रही है। तो वहीं कांग्रेस और आप पार्टी का सीधे तौर पर यह कहना है कि हालांकि जब पहले ही कानून बन चला था तो इस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया था, महज चुनावी वर्ष को देखते हुए और चुनावी रोल पूरा करने के लिए उत्तराखंड सरकार ये कारनामे कर रही है। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ ऑन इंडिया, देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे पर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि समय समय पर राज्यपाल का सरकार को टोकना उन्हें भारी पड़ा है। इतना ही नहीं, मुक्त विश्वविद्यालय में हुई भर्तियों के मामले में भी उन्होंने सख्त फैसले लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। स्पद मामला आ गया है, और जिनको बड़े अरमान से लाए ये और बड़े बुरे तरीके से, अपमानजनक तरीके से उनको भाजपा विदा कर रही है और उनके ऊपर नाना प्रकार के आरोप जो है चर्चा में लाए जा रहे हैं, वो दुखद है। जबकि मुझे मालूम ये पड़ा है कि उन्होंने कुछ मामलों में राज्य सरकार को सावधान किया था कि तुम अमुक चीजें गलत कर रहे हो, इसका परिणाम बुरा हो सकता है। 2022 में दमदार प्रदर्शन करने के लिए आम आदमी पार्टी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। इसी कड़ी में आज कर्नल कोठियाल ने घनसाली से दिनेश भजनियाल को आम आदमी पार्टी से जोड़ा। दिनेश भजनियाल प्रधान संगठन के अध्यक्ष भी हैं और घनसाली क्षेत्र में जाना पहचाना नाम भी है, लिहाजा दिनेश भजनियाल को जोड़कर आम आदमी पार्टी खुद को और मजबूत कर रही है। वहीं दिनेश भजनियाल का कहना है कि वो अरविंद केजरीवाल और कर्नल कोठियाल के विचारों से प्रेरित होकर आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं। का धीरे धीरे जो एक्सेप्टेंस है वो तो बढ़ता जा रहा है। अभी हम देख रहे थे कि कई जगह ना जैसे सर्वे होते हैं तो उसमें सर्वे में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस दिन से डिक्लेयर करा गया है कि फेस, अब इसका मतलब ये नहीं है कि फेस अजय कोठियाल डिक्लेयर कर दिया तो खाली उसी से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी चीज़ों को बताने की कोशिश कर रही है। अगर हम यहाँ पर उत्तराखंड में आ रहे हैं तो किस तरीके से लीडरशिप को हम समझते हैं कि कैसे इफेक्टिव हम आगे चीज़ें बना पाएंगे, तो उसमें हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का एक्सेप्टेंस जो है वो 10 से 15% तक दिखाई दे रहा है।
अगर इतने कम टाइम पे हमारा एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है तो अभी तो हमारे ना मेन कैंपेन्स आए नहीं है। अभी हमने एक बिजली का कैंपेन करा था जिसमें दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में शुरू हो गया सवाल जवाब कि कोई बोल रहा है 100 यूनिट देंगे, कोई बोल रहा है देखेंगे पार्टी के। मैंने पहले भी कहा था कि हम संघर्षों के आदी हैं और ये संघर्ष जो है ये मुझे आम आदमी को मैं देखने को मिला है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे आज यहाँ उत्तराखंड के हमारे जो जनरल साहब यानी कोठियाल जी हो, ये संघर्षों के आदी हैं और मुझे संघर्ष करना मैंने बचपन से सीखा है, छात्र जीवन से ही सीखा है। और मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड का नवनिर्माण जो इन्होंने संकल्प लिया है युवाओं के लिए, उत्तराखंड देवभूमि के लिए, तो मुझे जो लगा और जो मुझे देखा मैंने, तो मुझे प्रतीत हुआ कि ये उत्तराखंड का नवनिर्माण कर सकते हैं। और इनसे प्रेरित होकर के कर्नल साहब से और केजरीवाल जी से मैंने संकल्प लिया है कि मैं भी इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो है नवनिर्माण में अपना सहयोग करूँ। देहरादून में गंगोत्री धाम के रावल शिवप्रकाश महाराज ने देवस्थान बोर्ड को लेकर प्रेस वार्ता की, जहां रावल ने बोर्ड गठन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा धर्मस्थ मंत्री पर जमकर सवाल उठाए। उनका कहना है कि चार धाम में पूजा करने वाले सभी पंडित पुजारी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सरकार के फैसले के चलते जिंदाबाद मुर्दाबाद करना पड़ रहा है। वहीं सरकार को इसका संज्ञान लेकर उचित फैसला लेना चाहिए। आज ऐसी परिस्थिति आपके द्वारा क्रिएट की गई है कि जो पुरोहित हैं, जो पंडा समाज है, जो भी धाम पे रह के सबकी सुख शांति समृद्धि की कामना करता है, वो आज मजबूरन होकर जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहा है, जिसका परिणाम आप सब लोग भली भांति से देख रहे हैं। और कल ही मैं चैनल के माध्यम से सुन रहा था कि जो पर्यटन मंत्री है सतपाल महाराज, वो भी इसी बात को दोहराते कि यह ऐतिहासिक फैसला है। वो स्वयं अपने आप में एक धर्म गुरु कहलाते। रुद्रप्रयाग में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। वहीं सिरोड़ बगड़ में भारी मलबा आने से सड़कें बाधित हो गई हैं और दर्जनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं हाईवे और लिंक रोड के बंद होने से रुद्रप्रयाग और चमोली में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, लेकिन मलबा हटाने के लिए विभाग की ओर से अभी तक तो वहीं पूर्व प्रधान प्रदीप पालसी का कहना है कि विभागीय लापरवाही के चलते फतेहपुर गांव को भी खतरा हो गया है और जनता को तो परेशानियां हो ही रही हैं। तो स्थानीय प्रशासन भी और आम आदमी भी देख रहा है कि लगातार जो रोडों की स्थिति है वो बड़ी ही बिकट चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ स्थानीय जनजीवन भी बहुत खतरे में है। और विगत 3 मई से लगातार इस बारिश का सिलसिला जारी है और यहाँ पे ये फतेहपुर में जहाँ हम अभी खड़े हैं आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बादल फटा था और उससे काफ़ी घरों में मलबा घुस गया था। और वर्तमान में लगातार उसके बाद 11 जून 16 जून और अभी ये आपके 6 तारीख को और आज 9 सितंबर को पुनः फिर ये बारिश का सिलसिला जारी रहा, फिर लोगों के घरों में पानी घुसा। और इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि 6 तारीख को जो बारिश हुई है उससे बादलों की गर्जनाहट से हमारे मकानों पर भी दरारें पड़ी हुई हैं। हमें आपदा कंट्रोल रूम को भी सूचित किया था, लेकिन प्रशासन हमारी सुध लेने वाला नहीं है और ना ही कोई प्रशासन हमला यहाँ पे पहुँचा। तो स्थानीय प्रशासन भी और आम आदमी भी देख रहा। यूएई में स्थित अबू धाबी में 5वीं बार एशियन जुजुत्सु चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इसमें ऋषिकेश की रहने वाली शिवानी गुप्ता भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत के 41 खिलाड़ियों की टीम शुक्रवार रात दिल्ली से अबू धाबी के लिए प्रस्थान करेगी। आपको बता दें कि यह प्रतियोगिता 13 सितंबर से 16 सितंबर तक आयोजित होगी। उत्तराखंड से शिवानी गुप्ता का चयन होने से परिजनों में खुशी की लहर है, वहीं शिवानी गुप्ता भी खुशी से फूली नहीं समा रही। उन्होंने वादा किया है कि वो इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर देश का नाम विश्व में रोशन करेंगी। मैं बेहद ही खुशी हुई है मुझे ये जानकर कि हमारे जुजुत्सु एसोसिएशन द्वारा मेरा चयन हुआ है और मैं अपने उत्तराखंड से, अपने देश से भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही हूँ। और आप सभी को बताना चाहूँ कि 5th जुजुत्सु एशियन चैंपियनशिप जो कि अबू धाबी में आयोजित की जा रही है 13 से 16 सितंबर, जिसके लिए हमारी पूरी टीम इंडिया जो कल 10 सितंबर को दिल्ली से रवाना होने जा रही है। और मेरा ये वादा है अपने देशवासियों से कि हाँ, अगर आप सभी ने मेरे ऊपर विश्वास करके मेरा ये चयन किया है तो मैं अपना पूरी हिम्मत से, पूरी कोशिश से अपने देश के लिए, अपने देश का परचम लहराकर जरूर वापस आऊँगी। और वही कोटद्वार में गैस सप्लायरों की तरफ से उपभोक्ताओं को कई किलो गैस निकालकर सिलेंडर दिया जा रहा है। हाल ही में सप्लायर की तरफ से उपभोक्ता को 4 किलो कम गैस के साथ सिलेंडर दिया गया,
और गैस कम होने के शक में जब ग्रामीण ने सिलेंडर का वजन किया तो 30 की बजाय 26 किलो गैस ही सिलेंडर में पाई गई, जिसके बाद ग्रामीण का आक्रोश देखकर सप्लायर मौके से फरार हो गया और प्रबंधन को जानकारी देने के बाद उनकी तरफ से कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। और वहीं पौड़ी में जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे पेडलुसिंसु पट्टी के ग्राम सभा रछूली पहुंचे, जहां पर उन्होंने फसलों की औसत उपज और उत्पादन के आंकड़ों का संकलन किया, साथ ही धान फसल की कटाई और मड़ाई का भी डीएम ने जायजा लिया। वहीं जिलाधिकारी ने खेत का नक्शा खसरा रजिस्ट्री की भी जांच की और किसानों की तरफ से बोई गई धान के बीज के बारे में जानकारी भी ली, साथ ही किसानों की तरफ से बताई गई कुछ समस्याओं का निस्तारण करने का भी डीएम ने भरोसा दिलाया है। एक्चुअली में हम लोग जो है आज क्रॉप कटिंग के कार्य के लिए आए थे, यहाँ पे क्रॉप कटिंग की कार्रवाई संपन्न किया गया है। क्रॉप कटिंग के उपरांत जो है संबंधित जो काश्तकार लक्ष्मण सिंह उनके खेत में 14 किलो 150 ग्राम धान का फसल का कटाई हुआ है। अभी इसको जो है कुछ दिनों तक रखा जाएगा, 15-16 दिवस के उपरांत दोबारा से इसका वजन किया जाएगा, कितना गट तोली होती है उसको अभिलेख में लिया जाएगा। क्रॉप कटिंग का जो कार्यवाही है हम लोगों ने इस बार ऐप के माध्यम से संचालित किया है, सभी डेटा को ऐप में फीड किया है। ग्राम रचुली बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।